time taking the world, you'll see. They'll be calling me, calling me. They'll be calling me royalty. ओके सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर लाइव स्ट्रीम। मैं टीपीपी इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि ज़्यादा अजीब दिखेगा, अभी बेचारे ने कपड़े नहीं पहन के, इसीलिए समझे। और मेरी स्ट्रीम अटक गई कि ये व्हाट द हिक। ओके थोड़ी सी डिले हो गई, वो तो फिक्स हो जाएगी कि ये टेंशन है, अभी फिक्स कर देता हूँ, रुको। ओके अभी ठीक है ना। अभी डिले हट भी गया होगा। सबसे पहले कपड़े बना लेता हूँ इसके मैं, एफएमके। ओके ओके सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर लाइव स्ट्रीम। और आज हम खेलेंगे एक नया मॉच, क्योंकि हम कल जो मॉड खेल रहे थे वो ग्लिच हो गया, वो फिर से हमें उसने पागल बना दिया, क्योंकि वो डायनो फिर से उन डायनोस की पावर रीसेट हो गई, इसलिए मैंने वो मॉड हटा दिया। उसके लिए मेरे को अलग से एक दूसरा मैप खेलना पड़ेगा। तो अभी हम खेल रहे हैं प्रोमोथियस। प्रोमोथियस मॉड सुना ही होगा, नहीं सुना तो हम बता देंगे भाई कितना अच्छा मॉड है। इसमें मॉड में एक्चुअल में बॉस बहुत ज़्यादा है, तो बॉस जिसमें ज़्यादा होंगे वही मॉड खेलने में मज़ा भी आएगा, समझे। ओम बट हाय, कैसे हो? हम तो ठीक ही ठाक हैं। डार्क नाइट हेलो, वेलकम टू स्ट्रीम। डार्क नाइट तो मुझे डिस्कॉर्ड पे मैसेज करके क्या पूछ रहे हो, पहचाना कि नहीं? अरे चोमटिया समझ रखा है क्या हमारे को, इतनी जल्दी भूल जाऊंगा मतलब कुछ भी। तो मॉड हटा दिया है वो वाला, मतलब उस मॉड का नाम क्या था, ओमेगा मॉड हम खेलेंगे और किसी दिन किसी और मैप पे, लेकिन आज हम खेल रहे हैं प्रो, क्योंकि प्रोम खेलना है नया। और ये प्रोम पहले बग था, अब फिक्स हो गया है, नया मॉड आया है प्रोम का। तो अगर ये सही चले तो ठीक है, क्योंकि इसमें डायनोस तो बहुत हैं, बस छोटे डायनो नहीं, सब बड़े बड़े डायनोस हैं। रूइन बनाने के लिए मेरे को स्टोन चाहिए। वेट सेकंड, म्यूजिक ऑफ है क्या? नहीं, म्यूजिक तो चालू है। स्टोन तो हम वापस से वहीं पे हैं जहाँ पे थे, मतलब जहाँ पे हमने बेस बनाया था वहीं पे बेस है। और इसके पीठ वगैरह बहुत ओपी हैं, क्योंकि वो इवॉल्व हो सकते हैं, फायर में इवॉल्व हो जाते हैं। मैं प्रोम का लिख रहा हूँ, एफएमके। तो प्रोम की जो चीज़ें हैं वो चीज़ें तो बहुत सारी हैं, ये देखो इतनी चीज़ें हैं। प्रोम फूड, प्रोम सो, पैराडॉक्स बॉक्स। मैं रूइन काहे बना रहा हूँ, मेरे को रूइन तो बनाना ही नहीं है, मेरे को तो फाउंडेशन बनानी है। मैं 4x4 इस बार बेस बनाएगा, कितनी एक ही बनी इसकी भी। इस लैग वर्क तो नहीं हो रहा ना? नहीं हो रहा होगा। वेट इसका नहीं, पीटी कुछ साइज से बड़ा नहीं लग रहा है। ये पर मेरे को ही लग रहा है। डीसी रिप्लाई क्यों नहीं दिया? दिया तो था। डिस्कॉर्ड पे तुम क्वेश्चन पूछोगे तो रिप्लाई दिया तो था। तुमने जो पूछा था उसका जवाब दे तो दिया था, और क्या चाहिए? जो पूछा था वही तो बताया था। फाउंडेशंस अब तुम डिस्कॉर्ड पे वापस मैसेज भेजो हैं, खुद ही नहीं देखते हो फिर कहोगे रिप्लाई नहीं दिया। मतलब हम तो पागल हैं जो रिप्लाई दे देते हैं। मतलब रिप्लाई दे के भी यही जवाब आता है कि भाई तुमने रिप्लाई नहीं किया। ठीक है भाई, ठीक है भाई। मेरी बैलेंस शीट निकल यहाँ है। दो फाउंडेशन और देखा नहीं था, सॉरी। अब तुम ये कर लो, पहले हमें बदनाम कर लो फिर कहो सॉरी। ये अच्छा है। ये पेड़ वो ऊपर उग रखा है भाई जमीन से, क्या ही कहना। मिथ का कोर्ट से मिला। मिथ तो अब मैं खोल ही नहीं रहा हूँ। मतलब क्या कह रहा हूँ मैं मिथ खेल ही कहाँ रहा हूँ। अब तो मैं वो खेल रहा था ना, कल ओमेगा खेला था, लेकिन ओमेगा इस मैप के लिए बग्ड है। वो डायनो का पावर रीसेट कर रहा है, मतलब उनको नॉर्मल डायनो बना रहा है। तो पावर मेरे को नॉर्मल थोड़ा खेलना है, इसीलिए मैं दूसरा मॉड खेल रहा हूँ इस मैप पे। क्योंकि मैंने टेस्टिंग में तो देखा था कि सही चल रहा है, तो फिर हो सकता है कि ऐसे भी चल जाए तो ज़्यादा सही है। क्योंकि प्रो मोड अभी फिक्स हुआ है जल्दी में, और ज़्यादा सही रहेगा अगर वो सही शॉट चलेगा। क्योंकि इसके बॉस बहुत ओपी हैं, लिटरली इतने बेहतरीन बॉस हैं। बस ये एक प्रॉब्लम है प्रोम के बॉस में, उन पे एक तरह का म्यूजिक बजता है जो कि कॉपीराइटेड होता है। इसीलिए मैं फाइट करते समय गाने वाने बंद कर देता, समझे यार। फिर से फाउंडेशन कम पड़े हैं, 1 2 3 कम का पड़ रहा है। स्टोन ही कम पड़ रहा होगा इसकी भैंस के टायर। स्टार गेमिंग आईटी, आई एम बैक छपरी स्टार गेमर्स। वाह, वेलकम टू स्ट्रीम छपरी स्टार गेमर। 1 अबे भैरन, 1 2 3 तो अंतिम। ओके, हेलो डार्क नाइट, हेलो नाइट बॉट। वाह, आते हैं उसको सुनाना चाहिए। प्रोम म्यूजिक सैंडबॉक्स नहीं चाहिए मेरे को, प्रोम हीरो क्लब हाउस। ये क्या है? प्रोम शॉप, प्रोम डायनोस, प्रोम गेमिंग टेबल। अबे नहीं चाहिए थी मेरे को। प्रोम बोला प्लेयर का नहीं चाहिए, प्रोम बी नहीं चाहिए, प्रोम फूड वगैरह प्रोम एसयूवी नहीं चाहिए भाई, प्रोम फूड, प्रोम सुसाइड पोसम, ये सब तो खोलने पड़ेंगे क्योंकि प्रोम के बहुत सारे ऐसे वो हैं जो कि टीम करने पड़ेंगे। बीकन भी सारे खोल लेता हूँ। प्रोम स्पाई ग्लास नहीं चाहिए, ऑसम स्पाई ग्लास है मेरे पास। प्रोम पॉइजन, प्रोम सोवर पॉइजन, व्हाट हीलिंग, हीलिंग क्या खोल रहा हूँ मैं, एफएमके पड़ा हुई है, डिस्टिल 4 भी है इसमें, वो सिर्फ 1000 की बन जाएगी। नाइस, ये अच्छा है। प्रोम, प्रो सैडल, सीडल, सूडल, साडल सब खोल डालूंगा मैं भाई, सब रखूंगा नहीं कुछ। प्रोम के सारे मॉड खेल रहा हूँ। प्रोम यूटी सैडल वैडल जब टेम करेंगे तभी खोलेंगे। नैनो टरेट नहीं चाहिए, नैनो टरेट वगैरह, हाँ ये खोलने हैं मेरे को, शोगन क्यूब वगैरह, क्योंकि ये तो क्राफ्ट करने पड़ेंगे भाई। कामेकासी स्पाइडर क्यूब, प्रो मैजिकल सील कंटेनर, ये भी खोलना पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहले बनाते हैं प्रोम टेबल जो कि है ये। इसके लिए हमको चाहिए सीमेंटिंग पेस्ट 50, 100 मेटल भी चाहिए। ओके, और ये डायनो वाली टेबल भी महंगी पड़ेगी। ओके, स्वैग, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। आज डीलो भाई, डीलो का शूट कर। हैं निशाना गलत, निशाना खराब, निशाना खराब। 285 फिर से निशाना खराब। भाई मर जा भाई, अबे मुंह पे चढ़ लिया। फिर से निशाना खराब भाई तेरा। कितने स्पीयर मारती है चोमटे को इन्हें। मर भाई, अब मर रहा है भाई, इतना टाइम लगा दी। उससे ये दी है 217 तेरी भैंस की, मतलब इतनी कम हाइट है देख के। बेड 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4। चलो भैया पीटी टेम करते हैं, लेकिन पीटी के लिए अपने पास वो तो है ही नहीं। प्रोम बोला, एफएमके बोला, नहीं मैं एफएमके ही यूज करूंगा। प्रोम व्रोम बोला नहीं चाहिए मेरे को। ओके, तो अभी जरूरी है कि मैं एक पीटी टेम कर लूँ क्योंकि बिना पीटी के हो नहीं पाएगा काम। और उससे पहले एक कैंप फायर बना लूँ क्योंकि अभी मेरे को पता है भूख लगनी शुरू हो जाएगी। तो ये ले भाई, और ये ले 9000 वोट डाल दिया इसकी इन्वेंट्री में। मेरे पास मेटल कितना है, 29। अपग्रेड स्टेशन बना सकता हूँ ना, एक अपग्रेड स्टेशन बना लो, एक ब्लूप्रिंट स्टेशन, ताकि हम वो वगैरह बना बना के अपग्रेड कर सकें। और अगर मैं सिकल बनाना चाहूँ तो कराटिन चाहिए 2 मेरे को। इधर लगाते हैं भाई, ओके। तो वो बना तो ली है, लेकिन इसके लिए मेरे को फाइबर चाहिए होगा। फाइबर कलेक्ट करते हैं। दिस इज स्वैग, ना सोएगा रहा तुम्हें। गाइस आज भी 30 लाइव होंगे कि नहीं, क्या लगता है? लेवेंडरिया तेरे को मार दो, क्या हाइड ही मिल जाएगी फ्री। अरे भाई पिकैक्स क्यों हार्वेस्ट कर लिया, हेडशॉट से करना था। गणेश हेलो वेलकम टू स्ट्रीम, क्या चल रहा है गणेश? बड़ा लेट हो गए तुम तो। गाइस आज भाई आज फिर से 30 लाइक कर दो यार, जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है। तब तक हम चीजें कलेक्ट कर लें। विजय राठौल कल जैसे डायनो ही है इसमें या नहीं? इसमें थोड़े से अलग डायनो, ये मॉड ही अलग है तो इसमें डायनोज भी अलग होंगे। इसमें कुछ ज़्यादा पावरफुल डायनो, और सबसे अच्छी बात है कि इसमें टीम करने के लिए मेरे को उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब क्या कहते हैं कीबल वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये अच्छी बात है कि मेरे को केबल वगैरह के लिए अंडों का इंतज़ार नहीं करना है, क्योंकि सारे डायनो सिर्फ प्रोम फोर्ड से टेम हो जाएंगे। वो प्रोम फोर्ड बनाना बहुत ईजी होता है। प्रोम फोर्ड 10 प्राइम मेट से एक बनता है। आई नाइटवॉल्ट का मंथली स्कीम कितने का है? मंथली स्कीम कितने का मतलब क्या है? ये क्या है मंथली स्कीम का क्या मतलब हुआ? Okay, attempt to upgrade. Boy, boy, there we go. Boy, boy. इनकम पूछ रहा है क्या वो? इनकम पूछ रहा है वो? मेरे को क्या पता कितनी होगी उसकी, इतने चैनल पे तो लगा होता है वो। भाई इतना भी समझ नहीं पाया। अरे उसको हम कोई पैसे वैसे तोड़ देते हो तो इससे फ्री में काम करता है हम लोगों के लिए, मतलब हम लोगों के जिसने भी नाइटवॉट लगा रखा है तो नाइटवॉट फ्री ही आता है भाई। नाइटवॉट एक वेबसाइट है बस, और तुम बस सोच रहे हो हम उसको डील मतलब मंथली पे करते हैं क्या? हल्लू भाई इतना ज़्यादा भी नहीं। ओके आप बताओ हमारे हाथों से कौन मरना चाहेगा? आपका कितना इनकम है? भाई हमारा इनकम ना पूछो, तुम हैरान हो जाओगे सुन के, इसलिए कह रहा हूँ ना पूछो तो ज़्यादा से, क्योंकि मैं चाहता नहीं कि तुम लोग हैरान हो जाओ, जो कि बिल्कुल अच्छी बात नहीं होगी अगर हैरान हो गए। समझे? कल था वो पीटी है, इसमें मिनियंस स्पॉन करने वाला नहीं, मिनियंस स्पॉन करने वाला पीटी वगैरह तो नहीं है इसमें। इसमें लेकिन एक प्रोम पीटी है जो कि नॉर्मल पीटी से बहुत बड़ा होता है, और मेरे को पता नहीं उसकी पावर क्या होती है। वैसे मैं इसे अभी मार ही कह रहा हूँ, अभी नहीं मारूंगा इसको छुट, क्योंकि मेरे को बहुत कम देगा वो चीज़ें, नहीं छोड़ दो इसे। अरे भाई पीटी 405 लेवल का, लेकिन मेरे पास चिटिन कराटिन तो है ही नहीं। चलो इसको टेम करेंगे, लेकिन उससे पहले हम चिटिन कराटिन का इंतज़ाम कर लेते हैं, क्योंकि मेरे को पता है सैडल के लिए मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। डार्क नाइट बोलो, क्या बोलूँ, आपका कितना इनकम है भाई? हम नहीं बता सकते हैं क्योंकि इनकम आती ही नहीं। अब तो बता ही दो कितना है। अरे नहीं आती भाई इन यूट्यूब से अभी कुछ इनकम। जब आएगी तो बता देंगे। महीने के कोई पे थोड़ा करता है यूट्यूब हमें। आओ कहीं तो अटका मैं। कितने लेवल का कार्बो है भाई तू? भाई कितने एरो खा गया मेरे। मर गया फाइनली। फिर ऐड क्यों आती है? ऐड आती है ना, ऐड का ऐड रेवेन्यू होता है। देखो एक तरह से सर्विस होती है, पॉलिसी होती है कि हम अपनी इनकम बता नहीं सकते, तो मैं नहीं बता सकता कि कितनी इनकम आती है भाई। पोकी डार्क जेड हेलो, मैं याद हूँ। देखो गाइस, अगर तुम महीने 2 महीने बाद या 3 महीने बाद या 4 महीने बाद या महीने बाद फिर भी आके चैट में अगर मुझसे पूछोगे कि मैं याद हूँ, तो कतई मुझसे मत उम्मीद रखना कि मैं जवाब दूंगा हाँ, क्योंकि बहुत कम लोगों को भाई मेरे याद रखता हूँ, बाकी सब दिमाग से निकल ही जाते हैं। मेरे को कितना वो मिल गया? नहीं पैगो मैं स्टैग मार दूंगा मैं तेरे को जान से, निकल जा तू मेरी आंखों से सामने से। अबे भयंकर इंसान तो कैसे चुरा लिया मेरी चीजें। एक देखो और उसका साथी आ गया। भाई कितने लेवल का है तू? क्या चुराया? चोमटे ने मीट चुरा लिया। जब आर्क जेनेसिस एक और चोमटे। भाई कितने हरामजादे हो तुम सब, रुक जाओगे तेरी भैंस की ट्रिप। भाई ये क्या रो बच्चा, इसने चुराया क्या है? वैसे पता नहीं क्या चुराया है, लेकिन फिर भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा तेरा। मर अबे स्टीगो के बगल में क्यों घूम रहा है? व्हाट, इसको टोरपोर चढ़ गई। क्या चुराया है तूने? एरो ही चुरा लिए थे, वही मैं कहूँ। इतने सारे एरो कहाँ चले गए? जब आपने आर्क जेनेसिस स्ट्रीम करते थे तब लास्ट टाइम आया था, डायरेक्ट जा के आया हूँ। आर्क जेनेसिस जेनेसिस 2 की बात कर रहे हो या जेनेसिस 1 की बात कर रहे हो? जेनेसिस भाई जेनेसिस खेले हुए तो भाई कितने टाइम हो गए। अबे रुको, मेरे को जो चीज़ देखनी थी वो भाई देखी नहीं। 69 यार मेरे को 74 चाहिए पीटी के सेटल बनाने के लिए। 74 लगता है। स्टैको मरेगा वैरेंट कहीं। कितने लेवल का है पहले देख लेता हूँ, कहीं कहीं मेरे को ही न चटका दे। 270 बहुत हाई लेवल है ना। और तो ट्राइक ट्राइक कितने लेवल का है? 75 लेवल का। इसको मार सकता हूँ मैं। ओ पैर पे मारना है, सर पे नहीं, क्योंकि सर पे इसको डैमेज नहीं पड़ेगा, पैर पे पड़ेगा। तेरे चार्ज से मैं नहीं डरने वाला। डरे कि जिम करें। एक और फोर बड़ा कम है। अबे भाई मर्सी जी हेलो न्यूरो भाई हेलो। गिर तो नहीं गए भाई? ना ना भाई, कुर्सी से उठा था बस मैं। उल्टा सीधा हरकतें करता रहूंगा क्या कि गिर जाऊंगा भाई? एक मिनट स्पॉइल हुआ हो गया भाई। फाइनली नार्को 5 बन जाएंगे इससे। रैंक सॉरी हेरो पीटी क्या लेवल है तेरा? 60। बहुत कम लेवल है। क्योंकि यहाँ पे अच्छे लेवल का घूम रहा था ना, वो कहाँ गया? उड़ रहा है। नीचे आ जा भाई। फिर उसके बाद क्रिस्टल मेटल लेने जाए। ओए एक पीटी उतरा। रुको 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 रुको, इसका लेवल देखता हूँ मैं। 150 ना यार, ये वाला अच्छे लेवल का है। ये वाला उतरे तो मारूंगा इसको मैं, क्योंकि मेरे को अच्छे लेवल का पीटी चाहिए। हाँ ये रहा ना 405 वाला। सिर्फ 2 एरो में चटका दिया हैरान इंसान का मैंने। ये ले और FMK गेमिंग पेस्ट। एक्सक्लेमेटरी इन्फो। हाँ तो ये वालो पेट्राडॉन क्या कम पड़ गया? फाइबर की तो इस भाई फाइबर ही कम पड़ रहा है। So, no. पता नहीं कितना फाइबर लगेगा। हो गया काम भाई फाइबर का। सबसे पहले वेट में ही पॉइंट दो। तो अभी दिखाता हूं मैं कि पीटी टीम किया हूं तो तुम्हें कुछ दिखेगा। एज देख रहा था एज। वेट ए सेकेंड। ओ प्राइम, मतलब प्राइम बता रहा हूँ। ये वेल तो घूम रही है प्रो मोड की। अरे 2-2 टक पैरा सुअर मारो भाई। 3 का चिटिन वो मिल जाएगा इलेक्ट्रॉनिक। यही तो चाहिए ऑसन टेलीपोर्टर वगैरह बनाने के लिए। अबे नहीं, कारणों कहाँ से आ गया? ये मेरे पीटी को मार देगा, गड़बड़ हो जाएगी। मतलब मेरे पीटी को नहीं, मेरे पैरासूअर को। तो मैं नहीं चाहता ये मेरे पैरासूअर को मारे। इलेक्ट्रॉनिक चाहिए मेरे को। देख लिया, हो गए खुश, आ गई मजा। ऑसम टेलीपोर्टर के लिए सीमेंटिंग पेस्ट चाहिए होगा, मेटलिंग और चाहिए, क्रिस्टल चाहिए और पॉली चाहिए। क्रिस्टल और पॉली के तो इंतजाम हो जाएगा। क्रिस्टल तो मेरे को पता ही कहाँ मिलता है और मेटल भी वहीं से ले ही आऊँगा। ओ भाई रेक्स सुसाइड करने जा रहा है। और भाई रेक्स ने कर ली सुसाइड। वो भाई चिल्लाता हुआ नीचे गिर रहा है, कह रहा है बचा ले मेरे को। लेकिन सॉरी भाई, यहाँ पे कितने अल्फा कार्नो घूम रहे हैं। वद्दा है, इतने सारे अल्फा कार्नो। ठीक है भाई, अबे वापस में बेस की तरफ पह जा रहा है। क्या दिखाने वाले पीटी से? आई थिंक जो चीज दिखाने वाला था वो दिख ही नहीं रही है। यहाँ पे एक हेल्थ बार दिख रही होती, लेकिन वो दिख नहीं रही है। पता नहीं क्यों नहीं दिख रही, दिखनी तो चाहिए थी। वो हेल्थ बार यहाँ से दिखती है क्योंकि वो बॉस हेल्थ बार होती है, और वो एक नहीं काफ़ी सारी हेल्थ बार होती है। तो या तो अगर इस मॉड फिर से इस मॉड को भी ग्लिच हुआ है इस मैप पे, कसम से बता रहा हूँ, इस मैप को मैं कर देगा अनइंस्टॉल तुरंत ही। एफएम के हीलिंग पेस्ट बनाने के लिए आई थिंक 10 से 11 मीटर लगता होगा, 10 लगेगा। क्योंकि मेरे को वेल तो दिखी, वो जो उड़ रही थी वो इसी मॉड की होती है, वो इसी मॉड की होती है, प्रोम वाली, और वो नॉट टेमेबल होती है। इतना तो मेरे को इतना है। तो अगर वेल है तो हो सकता है कि वो भी हो प्रोम वाले डायनोस, क्योंकि वो चाहिए मेरे को। और वैसे भी एडमिन कमांड से तो मेरे को बनाना ही पड़ेगा शायद टर्मिनल, तो उसके बिना फिर हम मार नहीं पाएंगे बॉस उसको टोटली। इसमें बताऊं तो आई थिंक 15-20 बॉस हैं, और बहुत ही ओपी बॉस हैं। ऐसा नहीं कि छोटे मोटे बॉस हों, बहुत बड़े बड़े बॉस हैं। चार क्रिस्टल, 9 क्रिस्टल, अरे इतना कम क्रिस्टल। ऑसम स्पाई गिलास बना दो सबसे पहले। यार यहाँ आने से पहले मेरे को मेटल का बना के लाना ही चाहिए था, घूमटिया हूँ मैं। वेलकम है आपके। ज़्यादा कुछ पता नहीं मुझे, नहीं प्रोमोड वॉल्केनो मैप तो हाँ पता तो वैसे सही में नहीं होगा, क्योंकि और प्रोमोड मैंने इतना देखा है कि बहुत कम लोगों ने खेला है प्रोमोड, पता नहीं क्यों, लेकिन मैंने देखा है कि प्रोमोड बहुत कम लोगों ने खेला है। आई थिंक इसलिए बहुत कम लोगों ने खेला है क्योंकि ये मॉड ग्लिची है ना। मतलब पहले ग्लिची था, लेकिन अभी फाइनली ये फिक्स हो गया है। क्योंकि पहले इसमें ऐसा था कि इसमें ऐसा सिस्टम है कि तुम्हें छोटे बॉस मार के बड़े बॉस स्पॉन कर सकते हो, उनसे कुछ रिसोर्स मिलते हैं, उनसे हार्ड मिलते हैं छोटे बॉस। तो अगर छोटे बॉस से हार्ड मिलेंगे ही नहीं तो बड़े बॉस हम स्पॉन कैसे करें, इसलिए कोई खेलता ही नहीं। ओह ये रहा ना प्रोम यूटी, नॉट टेमेबल। ये एक मिनी बॉस है। और एक अजीब चीज दिखाऊं, देखना अभी देखना, देखा म्यूजिक बजा ना। इसी तरह प्रोम के सारे बॉसेस पे एक ना एक म्यूजिक लगा हुआ है, और सारे म्यूजिक कॉपीराइट है, इसीलिए मैं किसी बॉस को साउंड में मार ही नहीं सकता। प्रॉब्लम यही है, इसीलिए ज़्यादा कुछ पता नहीं है प्रोमोड का। वही तो मैं कह रहा हूँ, बहुत कम लोगों ने खेला है ना। ये आवाज़ जो सुन रहे हैं ये भी एक बॉस ही है, लेकिन मेरे को दिख नहीं रहा वो कहाँ है। ओ ये रहा प्रोमथेरी केओ टेम है और वो खाएगा प्रोम मीट। यानी मॉड काम कर रहा है, मैं सोच रहा था शायद मॉड ग्लिच हो गया, नहीं मॉड काम कर रहा है। वो यूटी दिखा यानी प्रोम के दूसरे बॉस भी स्पॉन हो रहे हैं। तो प्रोम के मिनी बॉस होते हैं, एक डायर बियर होता है, प्रोम डायर बियर, प्रोम ड्रैगन होता है, प्रोम गोरिल्ला होता है और 2-3 वॉचरमैन होते हैं, वो भी प्रोम के बॉस होते हैं। आई थिंक ये तबाही कौन मचा रहा है। और ये रहा एक बॉस, क्या ना ये आई थिंक वो है ह्यूमन वाला। सार्थक जी जी क्यों लिखा है? हाय लिखते हैं यहाँ लोग, तुम जी लिख रहे हो? तुम होना सब बताने के लिए। हाँ हम तो बैठे ही हैं, इतने मॉड खेल चुका हूँ मैं कि मेरे को काफ़ी मॉड के बारे में लगभग पता ही है कि कैसे खेलते हैं, कैसे बॉस वॉस स्पॉन करना है। और गाइस सबसे पहली बात, जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है लाइक करो यार। मेरे को पता है लाइक हो जाते हैं लेकिन काफ़ी लोग लाइक करते नहीं हैं। जैसे कल की स्ट्रीम में भाई देखो 30 लाइक बोले थे, 30 लाइक फाइनली हो गए थे और उसके पहले वाली स्ट्रीम में हो ही नहीं रहे थे भाई। इसीलिए करो भाई। प्रोम डोडो नहीं होता क्या? होता है प्रोम डोडो, प्रोम डोडो भी होता है, प्रोम डोडो होता है, प्रोम डोडो रेक्स होता है और प्रोम डोडो रेक्स के 3 वेरिएंट होते हैं। मतलब वो 3 लेवल पे अपडेट होता है, अपग्रेड होता है। आयरिन यो आई एम बैक आई लाइक यू। नहीं मरिया हाथ यू, ठीक है भाई। नहीं का मतलब क्या है? ठीक है गाइस हो गया मेरा नहीं, ठीक है भाई नहीं बोल दिया सीधे ही। अरे मैं पोर्च। अच्छा गाइस खाने में आज क्या खाया? हम मैं तो अभी अभी नॉनवेज खा के आया हूँ। कोई किसी ने नॉनवेज खाया गया भाई, मज़ा आ गया वैसे। ओ भाई गाली मत देना बस। योर लाइक इज 9, 9 लाइक हो गए। अरे भाई 9 लाइक हो गए हैं तो कितने 21 लाइक और करने हैं, समझे? 21 लाइक कर दो यार जिसने अभी तक लाइक नहीं किया। प्रोम न्यूरो, प्रोम न्यूरो तो ना मिलेगा तुम्हें भाई। ओमेगा मोड का क्या हुआ? ओमेगा मोड का ऐसा हुआ कि जब मैंने कल कहा था ना कि मैं थोड़ी देर के लिए गेम से बाहर जाके फिर वापस आऊँगा, तो स्ट्रीम बंद होने के बाद मैं गेम से एग्जिट हुआ और वापस गेम में घुसा। तो जो मेरे टेम्ड पीटी थे वो भी पेट्राडॉन सी हो गए, मतलब चोमटे हो गए, और जो वाइल्ड डायनो थे उन सब के ऊपर सी लिख गया। मतलब उन सब की पावर पता नहीं क्यों चली गई और वो सब नॉर्मल बन गए अपने आप ही। तो इसीलिए आई थिंक या तो वो मॉड का ग्लिच हो रहा है या तो मैप का ग्लिच हो रहा है। अगर मैप का ग्लिच है तो मेरे को मैप चेंज करूँगा, लेकिन अभी मैं प्रोम को थोड़े दिन बंद रख रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि उस मॉड का ग्लिच हो तो फिक्स हो जाए थोड़े दिन में, इसीलिए मैं नहीं खेल रहा है उसको अभी, लेकिन खेलूँगा। तो मेरे को चाहिए पिकैक्स। यस चिकन नगेट का। ओ भाई हम तो यहाँ मटन खा के बैठे हैं भाई, मज़ा आ गया। और इनन यो ब्रो, इनन ही है ना, इनॉन तो नहीं है ना। वेलकम टू स्ट्रीम इनन यो। सो इसको अपग्रेड, हैचर्ड और पिकैक्स को अपग्रेड करने में तो बहुत सारे रिसोर्स ख़त्म हो जाएंगे। अभी मैं अपग्रेड ना करने वाला, और ये चीज़ें मैं रख दूँ। एरो तो ना रखने वाला, स्टोन वगैरह रख दूँ। मेजोबेरी, मैं जो बेरी क्या करूं। ओके ब्रदर चैट पढ़ो। पूरी पूरी प्रोम न्यूरो हाय नहीं हाय मरिया आतिफ तुम्हारा हाय सॉरी फॉर नॉट ऑन योर यस्टरडे वाला स्ट्रीम। भाई कैसे हो? हम तो ठीक ही ठाक हैं। कोई ना मरिया आतिफ, इससे इतना ज़्यादा कुछ फर्क ना पड़ता। बस इतना है कि आया करो तो लाइक कर दिया करो। तो मेरे को चाहिए सीमेंटिंग पेस्ट, क्रिस्टल, मेटल इंगोट और पॉली। पॉली के लिए मेरे को मेंटिस मारनी पड़ेगी। सबसे पहले तो ये टेक पैरासोर मारूंगा क्योंकि इस टेक पैरासोर मेरे से मेरे को इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह मिल जाएंगे, जिससे मैं एटलीस्ट एक रिमोट और एक ऑसम टेलीपोर्टर तो बना पाऊंगा। तो सबसे पहले चलते हैं सैंड बायोम, वहाँ पे चटकाते हैं मेंटिस। न्यूरो कैसे हो? न्यूरो तो एकदम ठीक ही ठाक हैं, हम भी ठीक ही ठाक हैं। न्यूरो तो ठीक ही ठाक। बासिलिस्क नहीं चाहिए, बासिलिस्क। अबे प्रोम पीटी, प्रोम पीटी, अरे भैया प्रोम पीटी। अबे भाई 135 लेवल का है लेकिन मेरे पास वो नहीं है कि मेरे पास। रुको रुको, अबे स्पॉइल्ड मीट है क्या? हेलो 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 पीटी, तेरे पास स्पॉइल्ड मीट है क्या? अबे चूमटे, तेरे पास भी स्पॉइल्ड मीट नहीं है। इसकी टोरपोर्ट 253K है यार, इतने में होगा भी नहीं। तो देख लो गाइस, ये है प्रोम पीटी। ये नॉर्मल पीटी से थोड़ा सा साइज में बड़ा होता है, मतलब पूरा ही बड़ा नहीं होता है। और इसके अंदर अभी तो कोई पावर नहीं होगी, लेकिन हम इसको जब अपग्रेड करेंगे तब पावर आती है। इसको आई थिंक 3 में अपग्रेड कर पाते हैं। एक है फायर, दूसरा है इलेक्ट्रिक और तीसरा है पॉइजन। नहीं, चेंज तो बहुत सारे होते हैं। माय नेम इज सामी। ओ सामी, वेलकम टू स्ट्रीम। मैं तेरी भैंस की टाइम मिली डैमेज बढ़ा दूँ इसमें। अरे मैं इनको मार ही कह रहा हूँ, मेरे को जिस काम के लिए जाना था वो भूल ही गया मैं। अच्छा सबसे पहले तो वो लेकर आता हूँ, पॉली और चिटिन। गेम लैग हो रहा है। मैंने जामी और पावरफुल होती है। यस, फायर, लाइट, पॉइजन, वाटर। वाटर में आई थिंक नहीं चेंज होता है। रुको, फायर में चेंज होता है, लाइट में होता है, पॉइजन में होता है और पावर में होता है, और आई थिंक बहुत सारे में होता है, मेरे को याद नहीं। रुको मैं तुम्हें तभी दिखाएगा ना जब प्रोम शॉप बनाएगा, तो उसमें हम खरीद सकते हैं ना प्रोम के ये कन्वर्ट करने वाले। ये आई एम यू मोम टेक माई नाम इनन ई नन, यही नाम है तुम्हारा। अब इतना ज़्यादा स्पैम करोगे तो हम तुम्हारे नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन तुम्हारे नाम को टाइम आउट देंगे और कुछ ना होगा, समझे? इतना ज़्यादा स्पैम। ओह प्रोम चीप बुल्प बॉस है ये। 1.3 मिलियन प्रोम बोन बोरोंटो, इसकी भैंस के टाइट। प्रोम बोरोंटो के अंडे से एक किबल बनता है। यहाँ पे तो थोड़े ज्यादा प्रोम के डायनो दिख रहे हैं। 8 सेकेंड। प्रोम इक्वल भी होता है? व्हाट? ये मेरे को नहीं पता था कि प्रोम इक्वल भी होता है। आई थिंक मॉड में कुछ नया ऐड किया गया है, प्रोम इक्वल भी है। 1 सेकेंड, पहले तुम दोनों मारो क्योंकि मरना ज़रूरी है तुम्हारा, क्योंकि मैं उस प्रोम इक्वस को टेम करने जा रहा हूँ। लेकिन मेरे पास क्या क्रिस्टल है? ओके मेरे पास क्रिस्टल नहीं है, तो जब तक क्रिस्टल नहीं लाता तब तक मैं टेम करके क्या करेगा, सोल कैसे करेगा उसको? ओ भाई प्रोम ब्रूड मदर बोल नहीं टेम करेगा तो प्रोम ग्रिफिन। भाई कितने सारे प्रोम के डायनो दिख रहे हैं आसपास। क्रोम ग्रिफिन टेमेबल वर्जन है ना, हाँ टेमेबल वर्जन है, चीप वाला है, चीप वाले बॉस होते हैं। व्हाट इज योर नंबर? मेरा नंबर है 9932 53 036। ये बढ़िया था। अरे कहीं सुना था मैंने, बता तो दिया 9932 53 036। मेंटिस, हेलो मेंटिस किधर हो भाई? एक दो मेंटिस मारनी है यार मेरे को। हमें शाउट आउट की ज़रूरत ही नहीं है, ये मेरा ही भाई है। ये ऐसे कहते हैं ना, ये देखो ऐसे 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 तुम लोग भाई दिल को छू लेते भाई, ऐसी बातें करके भाई खुशी आ जाती है बिल्कुल ही। ओके मेरे को मिल गया पॉली भी। अरे ऑसम। डार्क नाइट क्या सीन है? सीन तो कुछ नहीं है, पढ़ तो लिया तुम्हारा वो मरियातिफ चैट, बता तो दिया। अरे बेल भाई तुम्हारी एचपी तो बड़ी ज़्यादा है वैसे, 21 मिलियन एचपी। अरे बाप रे, भूल जा भाई, मरने से रही है। तो अभी मेरे को लेने जाना है क्रिस्टल। ओके क्रिस्टल लेने जाना है, और क्रिस्टल ही लेने जाना है, क्रिस्टल और मेटल। क्या सीन है? सीन तो ऐसा है कि एक पीटी मिला था प्रोम का, लेकिन मैं टीम ही नहीं कर पाया क्योंकि उसको टोरबोर बहुत ज़्यादा चाहिए, और मेरे को मैं सोच रहा हूँ कि किस चीज़ से मैं टोरबोर दूँ, क्योंकि सीन तो बड़ा हाई है। हाँ भाई, ओ प्रोम रॉक गोलम, आई एम मिस्टर एम डी से दूर, आई एम इन एंड फादर इन एंड इन योर। भाई इतनी देखो, इतनी इतनी जो तुम, ये पेन टूटेगा नहीं 100%। इतना बड़ा जो तुम फेंक रहे हो, इतना फेंकने की जरूरत नहीं है। ये कौन आवाज कर रहा है? कौन सा है प्रोम खड़ा है इधर जो आवाज कर रहा है? ओ ये रहा, ये रही वो लड़की। ये भैरंड कहीं की एनपीसी बहुत बुरा मारती है, देख रहे हो? अबे कहीं गलती से मेरे को लेजर ना मार दे, देखियो। तो टीम तो कर सकता हूँ लेकिन प्रो मैजिकल फूड चाहिए। ओ नो सर, नाउ आई एम डाई। डैमेज बड़ा, इसकी एचपी है कितनी वैसे? मर गई क्या वो? मरी कैसे होगी? ओके नहीं भाई, इससे ना हो पाएगा, इस पीटी से तो नहीं होगा। मैं किसी और डायनासोर ट्राई करेंगे, क्योंकि उसको एचपी तो कम है लेकिन इतना ज़्यादा इस पीटी का डैमेज नहीं है कि वो उसको चटका सके। गर्मी है, ठर को हैं का क्या मतलब हुआ? धवल पटेल हाय, वेलकम टू स्ट्रीम धवल पटेल। गाइस देखो लाइक याद दिलाने की जरूरत ना पड़नी पड़े तो भाई लाइक कर देना है। ए वेट अ सेकंड, क्रिस्टल और मेटल तो मेरे को यहीं मिल जाएगा, वहाँ नीचे जाने की जरूरत क्या है? और यहाँ पे वो भी है, एलिमेंट और भी मिल रहा है यहाँ, क्या जरूरत है एलिमेंट और की? ऐसे ले लेता हूँ, शायद कभी जरूरत पड़ ही जाए। एलिमेंट और एलिमेंट बनाने काम आएगा। ठीक माँ, I don't do home। क्या अजीब सी चैट में बकवास चल रही है भाई। लग रहा है वॉल्केनो में तूफान आ रहा है, इसीलिए हमारे को भूख और प्यास दोनों लग रही है। इसके बाद हम टीपी बनाएंगे और फिर जाएंगे सबसे पहले प्रोम पीटी टीम करने हाई लेवल का, क्योंकि आई थिंक प्रोम पीटी ही मार पाएगा इन सबको, मेरे को जितना लग रहा है। कितने लाइक हो गए? 13 लाइक हो गए भाई। 7 लाइक और कर तो 20 लाइक हो जाए तो यार। तब तक हम यहाँ तो थोड़ा मेटल कलेक्ट कर लें, और कुछ खाने को है, खाने के लिए तो है। क्या हो गया मरियातिप? पूरी 300 की 300 चबा जाऊंगा बेरीज। अरे भाई इतना लालम लाल दिख रहा है, तो दिख ही नहीं रहा है मेरे को तो। वाइट स्क्वायर पे डीसी मेंबर बना दे। डिस्कॉर्ड पे डीसी मेंबर बना दो भाई। डिस्कॉर्ड ज्वाइन करोगे तो तुम खुद ही डिस्कॉर्ड मेंबर बन जाओगे, उसमें मेरा को बनाने की क्या जरूरत है? ये कौन सा मतलब क्वेश्चन है कि डिस्कॉर्ड मेंबर बना दो? डिस्कॉर्ड मेंबर तो तुम खुद ही बन सकते हो, डिस्कॉर्ड ज्वाइन करो और डिस्कॉर्ड मेंबर बन जाओगे। ये भी कोई पूछने की बात है? अगर मेंबरशिप वाला कुछ दिख रहा है तो उसका मतलब है कि तुम्हें यूट्यूब से जब मेंबरशिप लोगे मेरे चैनल की, तभी वहाँ तुम्हें मेंबरशिप का वो वाला ऑप्शन मिलेगा, क्योंकि वो सिर्फ मेंबर्स ओनली है। समझे का? हाँ तुम ये लग लो एक्सक्लेमेटरी जियो। अरे एक्सक्लेमेटरी जियो है, एक्सक्लेमेटरी वाइफ है, एक्सक्लेमेटरी बच्चे, एक्सक्लेमेटरी हाउस, सब लिख लो। अभी नाइटवॉट जवाब दे रहा है। मतलब क्या बिल्कुल ही चिटिन की लेगेंस, वो भी एसेंडेंट। अरे गाइज ये जो देख रहे हो ना, आई थिंक ये वो नहीं है। सो एक प्रो में वूली राइनो होता है इसी तरह का, वो मरता ही नहीं है, मतलब वो मरता ही नहीं है, वो एडमिन गन से भी मैं उसको नहीं मार सकता, इतना भयंकर है वो वाला वूली राइनो। तुमने बताओ खतरनाक डायनोस को कैसे बना दिया? अब ये प्रोम का है क्या? अच्छा प्रोम का है, वही मैं कहूँ कुछ ज्यादा ही अल्फा कारण नहीं दिख रहे हैं। अरे ब्रोंटो मतलब ब्रोंटो नहीं है, स्टैगो है, मैं भी क्या कह रहा हूँ। मछलियां हवा में उड़ रही हैं। इसमें जब बॉस स्पॉन होते हैं ना भाई, इतना बेहतरीन म्यूजिक बजता है क्या ही कहूँ। पूरा 26 ठीक है भाई ओके। अभी क्या मैं ऑसम टेलीपोर्टर बना सकता है? सिमेंटिक पेस्ट नहीं है और मेटल इंगॉर्ड नहीं है। सिमेंटिक पेस्ट तो अभी बनाता है, रुको। ये लो मेटल इंगॉर्ड सबसे पहले। गामा ट्री ये चाहिए मेरे को, मोटर है पेस्टल। ये लो और सीमेंटिंग पेस्ट बनाते लगभग 200। स्टार गेमिंग वाइट टी हाई, वेलकम टू स्ट्रीम स्टार गेमिंग वाइट टी। क्या हाल चाल? क्या तरीका है, क्या तरीका है भाई? नार्को बेरी का है पे करूँ, नार्को बेरी में कोई जरूरत ही पड़ेगी। ब्रो टिट्टी खा लो। आई थिंक तुम खाते रहते हो इसीलिए है? अरे कोई ना यार, अब खाते हो तो कोई आराम से खाया करो, जल्दबाजी मत मचाना बस, नहीं तो इधर उधर पूरी गंदगी फैला दो खाते समय। देखो हमें तो इतना कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, लेकिन आसपास जो लोग होंगे वो कहेंगे भाई देखो आराम से खाओ, गंदगी मत फैलाओ। समझे भाई? मेरा चैट कहीं गया गया कहीं गया, कहाँ गया हो? अच्छा हो, अच्छा वाइट स्क्वाड पर डीसी मेंबर बनाने, अभी ये तो पता पहले ही पढ़ लिया था ना, ये तो पढ़ लिया था ना मैंने। पहला कॉर्नर नॉर्मल ले लिया, पहला कॉर्नर तो होती ही नहीं आई थी तो बेस। अब ये ऐसे लिखना है, और मेरा एसेक्स टेक टर्मिनल आ गया। ये रहा भाई, बिना एडमिन कमांड के बना लिया। देखा ऐसे ऐसे जादू करते हैं। ऐसे ऐसे ही जवाब देने का। जब देखो अगर कोई कहे ना कि भाई टट्टी खा लो तो कहना भाई हम तो खाते नहीं, तुमको इतनी अच्छी लगती है तो खा लिया। प्रोम ग्रिफिन, प्रोम वाइब्रेंट, ओ भाई प्रोम वाइब्रेंट भी है। थ्रोन डेविल बॉस, मेरे को सबसे पहले चाहिए प्रोम पीटी, प्रोम पीटी, प्रोम असुरा बॉस। बॉस बॉस नहीं मारना, मेरे को पीटी चाहिए, पैटरा प्रोम पीटी। 135 लेवल का सिर्फ 2 ही स्पॉन है, 88 और 33। ओके 88 और 33 नार्को। एक 110 प्रोम फूड, ₹10 लगता है ना। ₹20 आराम से हो जाएंगे फिर तो। 16 लाइक हो गए, 20 लाइक कर दो, 20 लाइक तो हो ही सकते हैं इस हिसाब से। तो क्या था 88 33 है? अबे ये तो वही पीटी है जो मैं देख के गया था, 88 33, 135 लेवल वाला। मैं सोच रहा था इससे अच्छे स्पॉन होंगे, लेकिन लगता है स्पॉन ही ना हो पाए। ये तो रहा, ये तो है 88 33 वाला, लेकिन इसकी टोरपोर बड़ी हाई नहीं हो रही है यार, कैसे टोरपोर चढ़ाऊंगा? ट्रैंक रखो एक मिनट, प्रोम में कुछ ऐसा है फ्राइंग प्रो मेटल एरो है, यानी मेरे को ओ भाई रेयर फ्लावर रेयर मशरूम चाहिए। आओ ये तो गड़बड़ हो गई। एक मिनट, आई थिंक मैं रेयर फ्लावर बना सकता हूँ। हाँ रेयर फ्लावर रेयर मशरूम तो मैं बना सकता हूँ, लेकिन वो जो चीज़ कह रहा है कि अंशु चौधरी आते ही नाइट वॉट से टाइम आउट खा लिया। ऐसा क्या नाइट वॉट कंप्लीट कर दे कि टाइम आउट खा लिए हैं। वेलकम टू स्ट्रीम, आराम से बैठ जा भाई। अरे भाई तेरे को इतनी कम टोरपोट चढ़ेगी। 253K है इसकी टोरपोर यार। इस हिसाब से तो मैं घंटों इसको टोरपोर ही चढ़ाता रहेगा। अब ऐसे चलते हैं भाई, कुछ और इंतजाम बना के लाते हैं। एक सेकंड, मैंने अभी तक एफएमके का एरो नहीं बनाया है, ये वाला। इसको बना के देखें। एरो, इसके लिए मेरे को फाइबर चाहिए। यार प्रो में नॉर्मल भी तो कुछ होना चाहिए। एरो तीन बनाए हैं, तीन से देखता हूँ कितनी टोरफोर चढ़ती है इसको। अगर ये लौंडा फिर से वापस से नीचे आ जाए। हाँ इतने नज़दीक से फेल हो रहा हूँ। तुम देख रहे हो पत्थर वत्थर सब तोड़े दे रहा है बिल्कुल ही। डैमेज तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन टोरपोर तो पड़ ही नहीं रही है इसको। पता है हट बे, इससे तो टोरपोर ही नहीं पड़ रही है। अरे यार प्रो में फिर क्या हो सकता है ऐसा जो टोरपोर्ट देने के काम आ सके। प्रोम टंग का एरो है तो अच्छा। इसके लिए भी रेयर फ्लावर रेयर मशरूम चाहिए। इसकी भैंस के टाइम मैं तो देख कि एरो है। रेयर फ्लावर रेयर मशरूम। अबे भाई ऑसम टेलीपोर्टर बना दिया, फिर भी उड़ के पेश आ रहा हूँ। मैं भूल ही गया जाता हूँ। ओके सो पहले मेरे को बनाना है रेयर फ्लावर। सो बना लूँ क्या? एक के लिए 10 लग रहे हैं। हीलिंग पोशन की मेरे को जरूरत तो है नहीं। ओके ट्रैंक एरोस, वे ट्रैंक नहीं प्रोम एरो। बट वेट ए सेकंड, ये एरो हाथ में नहीं बनेगा तो कहाँ बनेगा? कैन बी क्राफ्ट एंड पैम पैराडॉक्स प्रोम पैराडॉक्स में इसको। वाह भाई ठीक है भाई। पैराडॉक्स इसमें बनेगा भाई। इसकी भैंस की डेट ये ले रेयर फ्लावर, रेयर मशरूम, एरो। हीलिंग वीलिंग मेरे को बनानी है नहीं। ओके एरो, मुझे नार्कोटेक भी चाहिए। आई थिंक नार्कोटेक है मेरे पास। ओ भाई 3 बनने हैं, एक के लिए 20 लोग तो है। तेरी भैंस की टेक्ट। पांच ही बने इसकी भैंस की टेट। मीट स्पॉइलर है क्या मेरे पास? मीट स्पॉइलर है तो मीट स्पॉइलर कुछ ज़्यादा ही आई थिंक मैंने पुल कर ली चीज़ें। मीट स्पॉइलर है तो लगा ही लूँ। स्पार पाउडर ये थे भाई 100 के आसपास। अब इतना ही दे दे। स्टार्ट कर लूँ पहले मशीन। अच्छा है FMK मॉड है, नहीं तो भाई चीज़ें बनाने में तो सालों लग जाए। ऐसे तो 6-7 ओके। नार्को अंडर 8 जल्दी जल्दी स्पॉइल कर। 85 हो गए। टेरो व्हाट? अरे भाई ये तो कितना महंगा है बे। रियर फ्लावर, रियर मशरूम कितना ज़्यादा लगेगा इसके लिए। फिर तो मेरे को टेलीपोर्टर लगा के आना पड़ेगा एक मेटल के लिए। चलो भाई इस वाले एरो से देखते हैं कितना पावर पड़ रहा है उसको। बट ये वेट अ सेकेंड, ये इस पे नहीं यूज होगा। आर यू किडिंग मी? इस पे यूज नहीं होगा तो मेरे को क्रॉस वो बनानी पड़ेगी। ठीक है भाई ये अच्छा हो गया हमारे साथ। ठीक है भाई मेटल इनगॉट। अबे फाइबर की तो ऐसी की तैसी भाई। सिकल ये सही है। एक चीज बनाओ, एक चीज बनाने के लिए इतनी चीजें लग रही हैं। देख रहे हो कितनी महंगाई हो गई है। आर्क में भी महंगाई हो रही है। नहीं इतनी महंगाई हो रही है। एक एरो बनाने के लिए 30-30 रेयर फ्लावर, रेयर मशरूम लग रहा है। तो अच्छी तरह से ये काम भी करना चाहिए, नहीं तो बहुत दिमाग खराब हो जाएगा अगर ये टोरपोर उस हिसाब से नहीं दिया। हाँ तो कॉम्पी तू आजा मेरे से पंगा लेने। आजा आजा। हाँ तेरी कमी थी ना, आजा। तेरी भैंस की टाइम, तेरी भैंस की टाइम। फाइबर काहे के लिए लेने गया तुम्हें? हाँ फाइबर क्रॉस बो के लिए लेने गया तुम्हें, भूल ही गया था। क्रॉस बो अपग्रेड कर रहा था। मशीन बना दूंगा मैं भाई साहब। फ्रेंड बना लो, क्या बना ही लेता हूँ। एक एक चीज बनानी पड़ रही है, बहुत शॉर्टकट मारते रहते हो ना। तो क्या शॉर्टकट मारता हूँ भाई, इतना भी शॉर्टकट नहीं मारता मैं। चलो इस पे तो लग गई, मैं तो सोचा इस पे भी नहीं लगेगी। चल भाई लौंडा टेम करके आते हैं। मिथिलेश हाय, वेलकम टू स्ट्रीम। ओह हो हो, वैसे मेरे को चेक कर लेना था ये बेस पे। एक मिनट जरा चेक कर लूँ, और अच्छे लेवल का तो नहीं स्पॉन हुआ है। ओ भाई इतने सारे ऑब्लिस्क हैं। जरा एक मिनट चेक कर लूँ, क्या और भी अच्छा लेवल का पीटी स्पॉन तो नहीं हुआ है। पेट्रा प्रोम पीटी नहीं भाई, 88 और चैट पढ़ो। तुम्हारी कहाँ चैट छूट गई प्रिया आतिफ? ओ दिख रहा है मेरे, उससे ऊपर कुछ ना दिख रहा तुम्हारी चैट में। हंड्रेड के यार, इस हिसाब से बहुत एरो लगेंगे इसको तो। अबे एरो तो खत्म हो गए, वाह। टोरबोर दे तो रहा है, लेकिन इतना अच्छा भी टोरबोर ना दे रहा है। मेरे को तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ब्लू ऑब्लिस, डेजर्ट फॉरेस्ट, फॉरेस्ट कंग टाइटन, ग्रीन ऑब्लिस, रेड ऑब्लिस। टेक टर्मिनल पे जाके देखता हूँ मेटल है कि नहीं। हाँ ग्लिच हो गया। अरे कितना ऑब है, ऑब है, व्हाट मीन ऑब है। अरे मैं मर गया, मरा 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 मरा। ओ भाई गेम फ्रीज हो गया। ओके ओके बच गया, मैं तो सोचा गया। अबे यहाँ पे आया था मैं मेटल मिलेगा, यहाँ पे तो कुछ छूना ही है। ये तो हमारे साथ धोखा दे दिया। टेक टेक गेट के पास कुछ नहीं है। और इधर एक बॉस है, ये देखो भाई, ये देख रहे हो तुम, हेल्थ बार देख रहे हो। मैप के दूसरे कोने पे होगा ये बॉस, लेकिन यहाँ से मेरे को हेल्थ बार दिख रही। ये बॉस फिर यहाँ से वो आई थिंक नज़दीक पड़ जाएगा। मैं इधर से नज़दीक पड़ जाएगा, रुको। हाँ भाई ये ऑब्लिस्क, ऑब्लिस में मिल जाएगा पेटी, मतलब मेटल। ट्राई कर लेता हूँ सबसे पहले। ऑसम डायनो ट्राई कर देना, लेता हूँ एक। कुक प्राइम मीट नहीं है डैड, कुक प्राइम मीट तो सच में नहीं है। ऑब्लिस जाके देखता हूँ, ब्लू ऑब्लिस्क। अरे नहीं दिख रहा तुम्हारा चैट, ऐसा कौन सा चैट लिखा है तुमने? नहीं दिख रहा वो चैट, वो नहीं दिखेगा अगर तुमने कुछ लिखा है अजीब सा, क्योंकि वो डिसेबल होगी वो चीज़। क्रिस्टल दिख रहा है मेरे को, ऑब्सीडियन दिख रहा है, लेकिन मेटल तो बिल्कुल ना दिख रहा है। इधर है क्या मेटल? मेटल इधर भी नहीं है, इधर से भी तो नज़दीक है। ये ग्लिच हो गया है, ग्लिच नहीं हुआ है। तुम क्या लिख रहे भाई? अगर तुम अब ऐसे कैसे पता चलेगा कि क्या लिख रहे हो? ग्लिच नहीं हो रहा है, वो शो नहीं करेगा वो। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो मॉडरेटर ही लिख सकते हैं। इसकी भैंस की टैट, ये कहाँ से आया इसकी? ये हराम ज्यादा पता नहीं नई नई आईडी बना के कहाँ से आ जाते हैं कुत्ते कहीं के। नेम मेटल, कल भाई इसको रिपोर्ट मारा था फिर से है। मतलब क्या यूट्यूब, मतलब एक नंबर के चिराग हो गया यूट्यूब वालों। जिस चीज़ को हम रिपोर्ट करते हैं कि वो चीज़ ना दिखाई दे, वही इंसान वो फिर से आईडी बना के आ जाता है। मतलब क्या, मतलब रिपोर्ट किस लिए है सेक्शन? एक नंबर के चूमटे ही हो भाई, सच में बता रहा हूँ। यूट्यूब ध्यान मैंने देती ही नहीं है बिल्कुल। हाँ कितना मेटल हो गया? रेयर अरे वो चैट नहीं दिख रही है मेरे को। मरिया आते जो तुम लिखने की कोशिश कर रहे हो वो नहीं दिखेगा मेरे को। वो हाइड हो रहा है अपने आप, वो ग्लिच नहीं हो रहा है, वो चीज़ हाइड है। वो चीज़ तुम नहीं लिख सकते चैट में। किसी गेम के बारे में लिख रहे हो या फिर और कुछ लिख रहे हो? क्या लिख रहे हो मेरे को ये तो नहीं पता। क्या मैटर नहीं लाया गया तो ये तो स्टोन आई थी। तीन सौ रेयर वो मैं डिस्कॉर्ड की बात है। वो मैं डिस्कॉर्ड क्या है? कौन से डिस्कॉर्ड की बात है? ऐसे कौन से डिस्कॉर्ड की बात लिख रहे हो भाई? तो फिर डिस्कॉर्ड पे ही भेज देना ना। अगर तुम अब यहाँ नहीं भेज सकते ये डिस्कॉर्ड डिस्कॉर्ड की बात। फिनिक्स नॉर्मल फिनिक्स है या फिर नॉर्मल ही फिनिक्स है? अच्छा चार पाँच के बना लो। 4-5 के बनेगा ही कहाँ? 100 बनाने के लिए 1K मेटल लग रहा है। 300 बनाए हैं तो यानी 3K मेटल खत्म। के पेमेंट पेज पे बना लेता हूँ थोड़ा सा और हीलिंग पेज। हीलिंग पेस्ट की तो जरूरत पड़ेगी। एक रेयर फ्लावर बनाने में 10 मेटल क्यों लगता है? एक ही लगना चाहिए था ना। रेयर मशरूम है, रेयर मशरूम है। इतना तो मेरे को पता ही है कि रेयर मशरूम रेयर ही होता है। हेलो पीटी, चलो घर चलें भाई। रुको एक मिनट, घर नहीं ले जाता हूँ थोड़ा। अरे छोड़ो यार, घर ही चलते हैं। लेकिन मेरे पास प्रोमीट तो है ही नहीं आई थिंक। हाँ भाई प्रोमीट तो है ही नहीं, थोड़े बहुत डायनेस मार ही लेते हैं क्योंकि प्रोमीट बनाना पड़ेगा और प्रोमीट प्राइम मीट से बनता है। थोड़े बहुत ऐसे डायनो चटका लेते हैं जो डक पैरासोर और लो टेक पैरासोर भाई। स्टैमिना जाएगा अभी। ये डिस्कॉर्ड की बात है, वो डिलीट नहीं होती है। और जो तुमने लिखा है ना वो शो ही नहीं हो रहा है, तो डिलीट क्या करोगे? लौंडे का स्टैमिना ग्लिच हो गया क्या? नहीं सही है, पावरफुल तो तेरे को बनाना है भाई। नॉर्मल डायनेस देख कर अच्छा लग रहा है। नॉर्मल डायनेस देख के अच्छा इतना कितना तुम्हें नॉर्मल डायनेस देखने का मन करता है? बेचारे इस गरीब पे इतनी जुल्म हो रहे हैं भाई। इतनी सारी महंगी महंगी चीजें बनानी पड़ रही हैं, तुमको मजा आ रहा है? सॉरी नार्को, ये $85 नार्को 100 नार्को बैरी नहीं है। एक पैरासोर वगैरह टीएम करना पड़ेगा भाई। पैरा सुअर तेरी जरूरत पड़ गई। 45 ना, 30 135 ना, 60 135 चलेगा। तो एक ही में सो गया फिर। ये ले आजा, प्रोमीट कितने जल्दी स्पॉइल हो रहा है लियो, 2 मिनट में स्पॉइल होता है एक, बड़ी जल्दी स्पॉइल हो रहा है भाई। एरो 100 8 बन पा रही है, चलो 8 से इस बार टेम हो जाएगा लौंडा। रोम ग्रिफिन फिर कैसे टेम होगा, करिए इतना कम तोर पोर खा रहे हैं ये। अच्छा ये पीटी यहाँ जगह छोड़ के जा ही नहीं रहे। और लौंडे ले बच्चे कुछ तोर पोर भी खा ही ले। ये ले, वैसे खाएगा तो एक ही, लेकिन मेरे इन्वेंटरी में स्पॉइल बहुत जल्दी हो रहा है। सोल बॉल बना के नहीं लाया। सोल बॉल पॉलीमर में, अच्छा पॉलीमर तो वहीं होगा। मेक इट फायर 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 बनाने के लिए एक चीज लगती है, तो इसे फेमिंग पेस्ट नहीं खिलाया ना। लॉन्डे को फायर फायर बना लेंगे, लेकिन फायर फायर बनाने के लिए एक वो भी तो लगता है, क्या कहते हैं अभी, क्या कहते हैं उसे, एक कन्वर्ट करने के लिए चीज लगती है, वो बनानी पड़ती है। और वो चीज़ या तो बॉस मार के मिलती है, या तो हम प्रोम शॉप से खरीद सकते हैं, जो कि मैं अभी प्रोम शॉप बनाने वाला हूँ। प्रोम पीटी का सैडल भी अलग होता है क्या, ये भी मेरे को नहीं पता। ओके प्रोम की तरह सबसे पहले चीज़ें बना लेते हैं। सबसे पहले प्रोम ये भी बनाना है, प्रोम शॉप। अली शॉप कहाँ गई? मैंने प्रोम शॉप अनलॉक नहीं की, ये तो रही। अच्छा पैराडॉक्स बॉक्स में बनेगी, इसमें बनेगी। बताओ शॉप बनाने के लिए रॉ मीट लग रहा है। और कुछ है ऐसा जो भी बनाना हो? आर्मर टेक व्हाट, ऑब्सीडियन और सिलिका पलक से बन जाएगा ये, तब तो मैं बना सकता है। सैडल नहीं, स्ट्रक्चर क्राफ्टिंग ये बनाना पड़ेगा मेरे को। 1000 सीमेंट पे चाहिए, ठीक है भाई। ऑल चैट मिस्ड, डार्क नाइट तुम्हारी कहाँ चैट मिस हो गई अल्ली हो, अब तो तुम्हारी चैट दिखी मेरे को। ये क्या है? प्रोम टेक वर्कबेंच, इसके लिए तो एलिमेंट चाहिए। ये इसके लिए क्रिस्टलाइन कोर चाहिए, और वो तो बनती है इससे, क्रिस्टलाइन डेब्रिज से। शॉप तो बना ली, और तो कुछ बचा नहीं। म्यूजिक बनाना नहीं। जनरेटर के लिए भी एलिमेंट चाहिए। पोर्च फील्ड के लिए सिलिका पर्ल और बाकी फलाना ढमाका चाहिए, पता नहीं क्या क्या चाहिए। वेपन फायर आर्म्स टेक प्रोम नैनो राइफल शूट एक्सप्लोसिव नहीं, ये वाला जो शूट पॉइजन प्लाज्मा बुलेट विथ आ इन्फिनिट जूमेबल स्कोप। ओके इन्फ्रारेड, प्लीज एलिमेंट चाहिए इसके लिए। एलिमेंट कहाँ से मिलेगा? आई थिंक बॉस मार के हमें एलिमेंट मिल जाएगा। हाँ ग्रैपलिंग हो, वो भी एलिमेंट से बनना है, ठीक है भाई। बहुत महंगा, बहुत ज़्यादा नहीं लूट रहे हो तुम लोग बाहर वाला। ओके ये इसमें क्यूब बनते होंगे। ये रही अपनी प्रोम शॉप। ये रही है प्रोम शॉप। हाँ तुम कह रहे थे ना इसको उसमें कन्वर्ट कर दूं आग वाले में। आई थिंक सैडल पहनूंगा तो ज़्यादा। तो प्रोम पीटी का सैडल बनता है क्या? हंटर हाय गाइस, हेलो हंटर, वेलकम टू स्ट्रीम। पीटी का सैडल होता है क्या? प्रोम पीटी होता है बे, मैं सोचा नॉर्मली। लेजी कहाँ है? हेलो आते ही लेजी कर टाइम आउट खाना है क्या? आतिफ हेलो, वेलकम टू स्ट्रीम। हेलो लेजी, मतलब लेजी की चैट बाद में दिख रही हो तुम, उससे हेलो पहले कर रहे हो। अरे ये तो दो में ही चेंज होगा, प्रो मैजिक पोशन और प्रे मतलब पॉइजन मैजिक पोशन लगेगा और फ्लेम मैजिक पोशन, यानी ये फ्लेम और पॉइजन में चेंज हो सकता है, बाकी सब में नहीं। आई है ना लेजी? अभी मैंने देखा नहीं। वेलकम टू स्ट्रीम लेजी। वैसे तो कितने में ज़रा दे रहा है? हेलो तेरी इन्वेंट्री का एक्सेस हो रही है? अच्छा ई से हो गई, ओके। इतने सारे में कन्वर्ट होता है फ्लेम में और फ्लाइट फाइट बट गार्ड। अरे सुन, एक तो ये बता भाई 500 कॉइन चाहिए, मेरे पास है ही नहीं प्रोम कॉइन, और एक तो प्रोम कॉइन मिलता भी तो नहीं है तेरी भैंस की टाइट। इसको लेवल अप कराते हैं। एक्सपी पोशन लॉन्डे तेरे को तो लेवल अप में बेहतरीन तरीके से कराएगा। बाय मरिया आतिफ, बाय। कहाँ हो गए हो? अबे भाई इसकी मूवमेंट स्पीड तो बहुत ज़्यादा है यार। अबे 700 मूवमेंट स्पीड है तेरी, काहे दर्द दे रहा है? तेरा 100 मिली डैमेज, चलो अच्छा है। स्टार नहीं आया? स्टार आया था। लेजी गर्ल को क्या हो गया? मेरे को पता क्या हो गया भाई, तुम्हारी हरकतें देख के वो कुछ बोल नहीं रही है, बस हरकतें वैसे कर नहीं रहे हो अभी तो। हेलो बरोंटो, कितने का डैमेज खाया तूने? तेरा डैमेज में नहीं देख पाया अभी। अटैक स्पीड को 70,000 का हो गए। मेरे को क्या होगा? क्या हो गया? कनुशिन हाय, वेलकम। आई थिंक मैंने एक ब्रोंटो देखा अभी कहीं। हेलो ब्रोंटो, बनने के लिए तैयार हो जाओ तुम, क्योंकि मेरे को बहुत सारा वो चाहिए प्राइम मीट, क्योंकि इसमें प्राइम मीट बहुत। ओ भाई 2 लाख का डैमेज दे रहा है लौंडा, सी स्पिन में तो चाटे ही मार देगा। ये बात ही नहीं कर रही अब, मेरे को क्या पता कहे नहीं बात कर रही। अरे एक और ब्रोंटो, इतनी तेज का है स्पीड है तेरी, आराम से चलना। एक तो इतने घास फूस में मेरे को दिखता भी नहीं है। कितना डैमेज पड़ा? कितना बड़ा पड़ा? 254। देखो काली आपने अच्छा नहीं किया, मुझे पूरी हंसी है। अच्छा वो भाई 10 गाइस लाइकन एचके हो रही कि यहाँ रॉ मीट नहीं प्राइम मीट चाहिए। रॉ प्राइम मीट 480 भाई। 10 प्राइम मीट तो उसी के लिए लगेगा ऑसम डायनो ट्रैकर बनाने के लिए। ओके तो ये स्पीयर भी है, प्रोम पॉइजन स्पीयर है, मैंने देखा ही नहीं था। लेकिन ग्रिफिन वगैरह टीम करने पड़ेंगे। सो वेट सेकंड, क्या डोडोरेक्स स्पॉन है क्या? क्योंकि अगर डोडोरेक्स स्पॉन होगा तो वो बहुत मार सकता है। सो लिख दो। हाँ सो तेरी भैंस की टायर स्क्रीन शॉट भी ले लिया। ओके प्रोम डोडोरेक्स और डोडोरेक्स। ओ भाई मैक्स लेवल का स्पॉन है भाई, 450 का अभी धरता इसको। लेजी गेमर गर्ल गुड नाइट लेजी। मैं कह रहा हूँ ना ज़्यादा तुम्हें दिक्कत होएगा तो बता दिया करो, मॉडरेटर में बना दूंगा तुम्हें। और तुम जिसको टाइम आउट और बैन मारना है आराम से मार लेना, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा परेशान करता। लेकिन मेरे को एरो बहुत जरूरत ज़्यादा लगेंगे इसके लिए, बुरा मत मानिए, मैं कह रहा हूँ ना। लगता है लेजी को बनाना ही पड़ेगा। ओके एरो लगभग ये वाले लगेंगे 30-40 तो लग जाएंगे उसको टीम करने में। सो मेरे पास नार्कोटिक नहीं है, रेयर फ्लावर नहीं है, रेयर मशरूम नहीं है और स्टोन एरो नहीं है। स्टोन एरो तो मिल जाएगा। सबसे पहले तो इस पैरासुअर को सैडल पहनाते हैं, पैरासुअर। और भाई पैरासुअर, अभी तक तो तुम्हारी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी लेकिन अब तुम्हारी लाइफ हम बर्बाद करेंगे, तुमसे दिन रात काम निकालेंगे। स्पीयर सबसे ज़्यादा टॉर्पोर देता है। अरे मैं अब बताओ डोडोरेक्स को टेम करने के लिए स्पीयर मारेगा जाके क्या उसके मुंह पे? वो एक चटकारे में तो मेरे को चटका देगा। इसकी स्पीड तो भाई बड़ी तेज हो रही है। तब 500 स्पीड हो गई इसकी तो 32 कर दूंगा। हाँ कौन पीसा जाओ तेरी भैंस की टाइम। भाई देखो इधर सिर्फ आप ही चैट पढ़ते हो इसीलिए थोड़ा मजाक कर लेता। तो दूसरे की स्ट्रीम में क्या दूसरा कोई चैट पढ़ता है क्या? भाई जो स्ट्रीम कर रहा है वही तो चैट पढ़ेगा, थर्ड पर्सन आके पढ़ेगा चैट। तो डोडोरेक्स आई थिंक पावर में भी कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि उसको बॉस मारने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं ना, और बॉस तो मारने ही पड़ेंगे एक दो क्योंकि अपने को समनिंग। अबे रॉक एलिमेंटल कहाँ से स्पॉन हो गया? इसकी भैंस के ट्रेन ये कहाँ से स्पॉन हो गया? ये किस तरह की टोन बची? राफायल थैंक यू फॉर द सब्सक्राइब, रियली अप्रिशिएटेड ब्रो। मैं सोचता का है ट्रेंग बजा। कितना नर्वोटेक कलेक्ट कर लिया वैसे तुमने? 633। इतने में कितना बना लेगा तुम? सब्सक्राइब टोन थी, भूल भी नहीं, कोई मेंबर बनता है फिर भी टोन बजती है। मेंबर चैट मतलब चैट क्या सुपर चैट तो उस पर टोन बजती ही है। ओके कितने लाइक हो गए भाई? 19 ही लाइक हुए हैं, 1 लाइक नहीं हो रहा भाई। हल्ली 20 लाइक नहीं हो रही क्या? लाइक एनएच हो रही है, कर दो यार। तो हम इतनी मेहनत से स्ट्रीम कर रहे हैं तो लाइक फ्री के लाइक यार कर दिया कर। मेरे को पता है चैट में काफ़ी लोग लाइक नहीं किए होंगे, कुछ लोग होंगे जिन्होंने लाइक नहीं किया होगा, लेकिन तुम कर सकते हो। मेरे को पता है अंदर से पूरी इच्छा हो रही होगी करने की, तो आराम से करो। हो गए 20, ओ भाई हो गए। देखो बोलते ही मैं कह रहा था ना, प्रोंटो टाइम करो फॉर बेरीज। इतनी भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्योंकि नार्को बेरी एक स्पॉइल्ड में से मैं 5 नार्कोटिक बना सकता हूँ। 710 बना लिए भाई, कमी है कि रेयर फ्लावर और रेयर मशरूम नहीं है आई थिंक मेरे पास। नहीं है तो वैसे रेयर फ्लावर रेयर मशरूम, लेकिन कितने एरो बनेंगे इसमें? एरो 3, ओ भाई 3 एरो बन गए, मज़ा आ गया। 3 भैंस की डेट 30 भी नहीं बने। एक तो इतना दे देते हैं ठीक ठाक तौर पर, लेकिन उतना भी अच्छा नहीं देते हैं। सो मेरे को क्या बनाना है इसके लिए क्या कम है? रेयर फ्लावर कम है, फ्लावर 1000 बनाने के लिए 10000 मेटल लगेगा। वही बना दे भाई, और बना लेता हूँ 200 बना लेता हूँ रेयर फ्लावर और रेयर मशरूम। देखो 20-30 तो एक बार स्पाइक बना के फायदा कि हमें टोटो रेक्स टेम करने जा रहा हूँ। अब उसके मुंह पे जाके मैं थोड़ा स्पीयर मारेगा। नॉर्मल डायनों के लिए ठीक है स्पीयर, प्रो वाले तो एक फटके में मार देंगे ना मेरे को। और क्या बनाना था? रेयर मशरूम। अबे 120 नहीं 200। अगर ये डोटोरेक्स टेम हो गया ना सही शॉट तो भाई अपना काम हो जाएगा, क्योंकि ये बॉस मार लेगा ना। छह बने भाई, क्यों इतने महंगे हैं? 13 थारी वाइंस का एट। पाँच सौ बना सकता हूँ मैं। 13 और सम डायनो ट्राइपर। ओके टोटो रेक्स। वैसे चीफ को मार पे के भी तो एलिमेंट मिल जाएगा मेरे को। 55 37 ओके, याद रखना है 55 37 पे हो। सो 55 तो इधर कहीं पड़ेगा। अच्छा है कि इसके मूवमेंट स्पीड तो अच्छी खासी है। सरदार राहुल सिंह ग्राफिक कार्ड कौन सा यूज़ कर रहे? कोई नहीं। क्या लोकेशन थी? भाई मैं इतनी जल्दी लोकेशन कैसे भूल गया। 35 क्या 53 55 35 37 थी ना। निंजा हंटर गेमिंग भाई आर्क मोबाइल पीपी खेलोगे? नहीं भैया मैं नहीं खेलता। 55 37 थी आई थी। 55 तो पहुंच गया, 37 जाना है। हाँ 55 37 याद आ गया था। कहाँ है भाई हलियो? ये रहा चोमटिया। सबसे पहले इस लौंडे को भेज दो बेस पे, क्योंकि मैं नहीं जाता ये मरी बरी जाए, क्योंकि वो डोडोरेक्स कहाँ है? ये ले डोडोरेक्स किथे तू? हाँ अच्छा ये रहा। अरे इसकी मूवमेंट स्पीड तो बड़ी तेज हो रही है। प्रोसेसर कौन सा है भाई? देखो Ryzen 3 लगा है राहुल, और Ryzen 3 लगा है बस। ग्राफिक कार्ड वगैरह कुछ नहीं है, Ryzen 3 ही प्रोसेसर है, वही उसी के अंदर इंटरनल ग्राफिक कार्ड है। अबे एक बार में झटके में मार दिया हराम जादे। वो इतना कम टोर पोर चढ़ रहा था भाई कि ऐसे काम चलेगा। लगता है मेरे को ये बनाना पड़ेगा, क्या कहते हैं ये अपनी वेपन्स में, नहीं एमो नहीं, फायर आर्म्स टेक ये वाला। ई के लिए मेरे को क्या चाहिए? इसके लिए चाहिए ब्लैक पर्ल और एलिमेंट। ब्लैकपेल और एलिमेंट हो गए तो इसका मतलब है मेरे को एक चीफ मारना पड़ेगा, क्योंकि चीफ से भी हमें वो एलिमेंट मिल जाता है। क्योंकि आई थिंक ये टेक गन तोड़फोड़ दे सकती है, जितना कि मेरे को लग रहा है। सो चीफ फ्रॉम चीफ ग्रिफिन गिगांटोसॉरस गोरिल्ला टराइक चीफ ट्राइक 945 लेवल का 5929 इसको मारेगा। 5929 याद रखना है। 5929 रुको एक मिनट पहले पहुंच जाऊं, नहीं तो भूल जाऊंगा मैं। i5 के साथ ग्राफिक कार्ड लगाया ना? नहीं i5 नहीं, अरे Ryzen 3 है, उसी में है भाई। Ryzen 3 ही प्रोसेसर है, उसके अंदर तुम्हें प्रोसेसर प्लस 5929 था ना, ज़्यादा आ गया 59 और 29। फिर ज़्यादा आ गया ये रहा। नहीं ये तो डॉडोर एक्सेल है। चीफ कहाँ है? चीफ पूरा। हेलो चीफ, तेरी भैंस कटे। अरे भाई अरे भाई 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 अरे तोबा बड़ी तेज मार रहा है बे, देख रहे हो? ऊपर से ब्लीडिंग डैमेज भी दे रहा है। अरे यार डैमेज थोड़ा सा ज्यादा दे रहा है। अबे भाई सी स्पिन खा ले भाई। अबे तू हील भी कर ली इसी लौंडा, तेरी भैंस की। मेरे को धक्का दे रहा है, नहीं तो मैं मार दूं। अब क्या आया सही तरीके अब खड़ा है तेरी वैंस। अब तो तुम मरेगा। अबे रुक जा, तेरे भैंस वो एरो मार रहा है। मर ही गया तेरी भैंस के। तू भी मार रहा है ना आराम ज्यादा। वो मेरे को मिला है लाइटनिंग में भी पोस्ट। सारी भैंसिया उस पर आज गेमिंग। हाय वेलकम टू स्ट्रीम। अरे मैं i5 के लिए पूछ रहा था अगर आर्क खेलना है तो बिना ग्राफिक कार्ड के खेल लूंगा। नहीं i5 के लिए i5 के साथ तुम्हें एक ना एक तो ग्राफिक कार्ड लेना ही पड़ेगा। ओके मेरे को ये स्किन मिली है, इस स्किन से होता क्या है? अबे भाई मेरी एचपी इतनी कम कैसे हो गई? मेरे को किसने डैमेज मारा? क्या कर रहा हूँ भाई। ओके एक हेलमेट भी मिल गया भाई। नाइस। अच्छा तो तेरी भैंस के टायर रैप्टर जीने ही नहीं दे रहा कोई मुझे। ओके हमको ब्लैक पल चाहिए। अब ब्लैक पल कहाँ मिलता है भाई बेलगन मैप पे? ये तो मेरे को पता ही नहीं है। इग्नोरिंग क्या भाई? क्या नहीं इग्नोर कर दिया हंटर? तुम्हारी चैट में इसे क्या लिखा है? हाँ मेरा चैट नहीं पढ़ोगे कौन सा लग गए? पढ़ा तो ये लग गए पढ़ा तो था यार। मैं सोचा कल की तरह तुम फिर से चैट कर रहे होगे, चटिया रहे होगे, इसीलिए मैं तुम्हारी चैट पढ़ ही नहीं रहा था। यहाँ पे का सिल्का पर्ल मिलेगा मेरे को? अरे तेरी भैंस की पूंछ मारूं। क्यों आ रहा है मेरे पास? नहीं रहने दो। ठीक है फिर तुमने कह दिया रहने दो तो ठीक है। अब तुमने कहा है तो क्या ही कहें उसमें कुछ कह भी तो नहीं सकते। नाइटवॉट कहाँ है? नाइटवॉट तो यही है ना, देखा तुमने कहा नाम लिया और आ गया। नहीं मैंने कुछ देखा क्या? ओ भाई टेक क्वार्टजल। मैं सोचू कुछ तो देखा भाई मैंने अजीब सा। फिर से उतर गया मैं। इसकी भैंस के टायर बार बार उतर ही कह रहा हूँ। थॉर्निस चला जा नहीं तो जा। चार ब्लैक होल मिल गए भाई। क्या भाई परेशान कर रहा है? 2000 मीट चुरा ली मेरे। सिलिका पर्ल मिल जाए तो मैं ब्लैक पर्ल तो बना ही सकता हूँ। मुझे इसका चैट नहीं दिख रहा है। वाह वेरी नाइस। अरे बासलिस्क, क्या चल रहा है लाइफ में? और बासलिस्क पॉइजन मार रही है, ये तो गलत है भाई। तुम ऐसा करोगे बासलिस्क हमारे साथ, उम्मीद नहीं होती। तो मैं आपसे बाहर जा रहा हूँ, क्या यहाँ पे सिलिकेट मिलेगा? सिलिकेट भी मिल जाए तो उससे काम हो जाएगा मेरा। नहीं सिलिकेट पर काम आएगा कि नहीं, लेकिन मैं आपसे बाहर आ गया। वो दोक मैं आपसे बाहर भी आ सकते हैं, ये मेरे को नहीं पता। अबे पीटी कहाँ जा रहा है? मुझे नॉर्मल बेरी ही मिल रही है इससे। बट कौन बंदे हैं, कहाँ से आता है भाई? हेलो यूट्यूब, तेरी भैंस की टैट, इसकी भैंस की तो बहुत हो गया यार। आज मेरे को ये खुद ही बनाना पड़ेगा, नहीं तो यूट्यूब वाले ये कुछ कर नहीं रहे हैं, सिर्फ रिपोर्ट कहते हैं कि रिपोर्ट करो। भेंडी कहीं के भैंसड़ी के, दिमाग मेरा और ख़राब हो जाता है, टिल्ट कर देते हैं बिल्कुल ही दिमाग का। बहन के पकौड़े साढ़े मुझसे गाली निकलवा रहा है और कुछ। मारे को चाहिए सिली का बोल्ड। ऑक्सीजन में थोड़ा सा पॉइंट देते हैं। सिलिका पर्ल कहीं है? ऑयल, ऑयल ना चाहिए, वो कर देंगे आपका काम आसान। कौन? 200 टेंटिकल्स। कोई रेगुलर बंदे को मार दे दो। उस चूमटे एमजीओ को दिया था और उसके बाद से देखो वो दिख ही नहीं रहा है, इसीलिए मैं मॉड वॉड देता नहीं है, इसीलिए मेरा दिमाग खराब हो जाता है यार। ये डायनो मेरे को ब्लैक पल दे सकता है, लेकिन मैं इसको कैसे मारूं? ये ब्लैक पल दे तो सकता है, इतना तो मेरे को पता है। प्रोमपीटी हेलो वाइट घूम रहा है यहाँ पे। ओके ये वाला प्रोम गन के लिए बचपन ब्लैक पल चाहिए, कुछ ज्यादा नहीं है। बीस से एक बनता है, ठीक है भाई, ठीक है भाई। गणेश को दे दो। वो भी तो नहीं है, मेरे को खुद ही कुछ सेटिंग में जाके करना पड़ेगा। आओ पैरासोर तुमसे मरवाते हैं भाई जी इसको। डायनोस टोरपोर बड़ी गंदी देते हैं। देखो मेरा पैरासोर की टोरपोर इतनी बड़ा गई। अरे तेरी भैंस की टैट, टोरपोर इतनी चढ़ रही है इसको। डैमेज कितना है भाई अली? लगता है इसको टोरपोर ही चढ़ जाएगी। सो गया। 25 ब्लैक पर अरे अरे नहीं, मेरे को सोना नहीं है, बहुत गंदी टोरपोर देता है। काम करता हूँ सोल बॉल। भागो। नहीं चढ़ रहा है। हो गया काम। सदाराव सिंह पर्ल क्राफ्ट नहीं होगा क्या वाइट वाला? नहीं पर्ल क्राफ्ट में और डाला ही नहीं मैंने। हाँ हाँ पैरा सुअर टीपी कर लो। बचा लाया भाई मैं, मरने नहीं छोड़ सकता था बेचारे को। ओके इतना एलिमेंट मिल गया जिससे मैं फाइनली वो गन बना सकूं। वेपन पावर आर्म टिक। अरे बाप रे। और इसकी एमो एलिमेंट ये वाली है 10। देखो भैया ये कितनी टोरपोर देता है। ओ भाई गन तो बड़ी बेहतरीन लग रही है। बस 1K। अबे ये तो बहुत कम है यार। 6K का तो टोरपोर ये मेरा एरो दे रहा है। वेट अ सेकंड। वाह गेम क्रैश करवा लिया मैंने, कुछ तो गड़बड़ कर दी। ठीक है भाई बहुत अच्छे एलिमेंट्स चलेगा भाई, गेम क्रैश करवा लिया बहुत अच्छे। चलो गाइस फिर अभी के लिए इतना ही रखते हैं, अब मिलते हैं कल। गड़बड़ हो गई मॉड में, एक साथ कुछ ज़्यादा 2 चीज़ें साथ चला दी। तो ठीक है कल मिलते हैं गाइस शाम को, रात का मतलब। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, गुड नाइट। बाय बाय चला पर वो तो तेज है। बाय 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 बाय, देखेंगे उसको कल टेस्ट करके। But I